पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया है। वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति में पाकिस्तान सीमा के निकट पोखरण रेंज पर अपनी ताकत दिखाई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के पायलटों ने लड़ाकू विमानों से दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब वायुसेना के इस प्रदर्शन से पाकिस्तान की धरती भी थरथरा गई होगी। वायुसेना के 137 लड़ाकू विमान टारगेट को ध्वस्त करते हुए नजर आए। युद्धाभ्यास में आकाश अस्त्र मिसाइलों के साथ जीपीएस और लेजर गाइडेड बम रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। युद्धाभ्यास में MiG-21, बाइसन MiG-27, MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जगवार जैसे विमान शामिल थे। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। क्योंकि वक्त ये आ चला है जब आतंकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। देश में एक अलग तरह का गुस्सा, अलग तरह का उबाल देखने को मिल रहा है सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद, और उसी का बदला लेने की ये तस्वीरें आपको बता दें। ये तैयारी है आगे आने वाले किसी भी स्थिति से निपटने की भारतीय वायुसेना की। दुनिया भर में भारतीय वायुसेना की ताकत चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान तो हमारे आगे टिकता तक नहीं है, और जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान के होश इस वक्त फाख्ता हो रहे होंगे, क्योंकि अब तैयारी उस जंग के लिए है ताकि 40 हमारे जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाए। दुश्मन को ध्यान से देख लेना चाहिए इन तस्वीरों को, क्योंकि दुश्मन हमारा कहीं टिकता तो है नहीं, लेकिन रह रहकर वो छद्म युद्ध के जरिए, गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए परेशान करने की कोशिश हिंदुस्तान को जरूर करता है। भारतीय वायुसेना की इस ताकत को पूरी दुनिया देख रही है। आपको बता दें 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। 13,09,576 वायुसैनिक इस वक्त हमारे पास हैं, और ऐसे विमान जिससे दुश्मनों के छक्के छूट जाए। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया है। इन तस्वीरों के जरिए अपना दम दिखाने की कोशिश भारतीय वायुसेना की ओर से। वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति में पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल पास, पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक पोखरण रेंज पर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, जैसा कि लगातार हम दिखा रहे हैं देश कि ये वायुसेना की शक्ति, दुश्मन ध्यान से देख ले क्योंकि अब बारी हमारी है। मंजीत, देखिए ये वायुसेना की एक सालाना युद्ध अभ्यास, और ये वायुसेना अपनी पूरी ताकत इस वक्त दिखा रही है पोखरण राजस्थान के पाकिस्तान से लगने वाला जो एरिया है, फायरिंग रेंज है वहाँ पर। खुद वायुसेना प्रमुख जो है एयर मार्शल बी एस धनोवा, वो मौजूद हैं यहाँ पर, और इसमें पूरी अगर हम वायुसेना की ताकत की बात करें, कम समय में कैसे दुश्मन के खिलाफ किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है उसकी यहाँ पर उसकी तैयारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। वायुसेना के तमाम जो लड़ाकू विमान हैं, बात चाहे MiG-21 की जाए, MiG-27 की जाए, MiG-29 की जाए, जगुआर की जाए, तेजस की जाए, मिराज और सुखोई 30 MKI जैसे जो तमाम आधुनिक और पुराने जो लड़ाकू विमान है जिन्होंने करगिल युद्ध से लेकर 1971 के युद्ध से लेकर अलग अलग युद्धों में खासतौर से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, वो तमाम जो लड़ाकू विमान है वो इस वक्त हम देख सकते हैं लाइव डेमो में। पोखरण का जो रेगिस्तान है वहाँ पर दुश्मन के खिलाफ जो ऑपरेशन किस तरह से किया जाना है उसका नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये कोशिश है चित्रा खासतौर से आज के हालात में देश को ये भरोसा देने की कि वायुसेना किसी भी मौके पर, किसी भी मोर्चे पर एक बार अगर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, देश का प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलेगी तो वो कम समय में दुश्मन के खिलाफ किसी भी हवाई। बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रधानमंत्री की ओर से सेना को फ्री हैंड, खुली छूट भी दे दी गई है ये कहते हुए कि आप तय करें कि कब और कैसे हमला करना है। फिलहाल ये तस्वीरें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत की आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना। मंजीत हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत ने अपना दम कहां कहां दिखाया है। आपको बता दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त, कांगो संकट के समय, गोवा मुक्ति संग्राम, भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था उस वक्त 1965 में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो हुआ था 1971 में जिसमें हमने मात दी थी पाकिस्तान को समय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पुमलाई, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, करगिल युद्ध के दौरान भी हिंदुस्तान की वायुसेना ने अपनी ताकत का अदम्य
परिचय दिया था और एक बार फिर से अब वक्त ऐसा लग रहा है उसी ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ। लेकिन जिस जगह पर अपनी ताकत का प्रदर्शन या यूं कहिए ये तैयारी की जा रही है मंजीत, उसके मायने बहुत ज्यादा हैं और पड़ोसी मुल्क के लिए एक कड़ा संदेश भी। मंजीत चित्रा, बिल्कुल आज के हालात में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा अटैक के बाद जो संदेश पाकिस्तान को आतंकियों को दिया है कि उनको भारी कीमत चुकानी होगी और सेनाओं को खुली छूट दी है कि वो अपना समय और अपनी जगह खुद तय करेंगे, उस हालात में ये एक नजारा, एक प्रदर्शन है वायुसेना का अपनी ताकत दिखाने का। और जो विकल्पों की बात की जा रही है, खासतौर से अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं, जो आतंकी लॉन्चपैड पर बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाता आज के हालात में, तो एक बड़ा विकल्प वायुसेना है। वायुसेना किस तरह से वहां पर एयर अटैक कर सकती है, हवाई हमले कर सकती है, उसकी तैयारी, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि वायुसेना इस तरह के किसी भी हमले के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। वही हालात से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना कैसे तैयार है, उसकी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मंजीत हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आज तक के दर्शक दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। रेगिस्तान में वायु शक्ति का यह खुला प्रदर्शन और सीधे सीधे पड़ोसी मुल्क को चेतावनी, देख ले दुश्मन ध्यान से क्योंकि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी की आंखें इस वक्त बेहद नम है। आप देख रहे हैं सभी के हाथ में मोमबत्ती, वो कैंडल, वो लौ जलाने की कोशिश जो हम सबके जहन में जिंदा है। हिंदुस्तान अपने शहीदों पर फख्र करता है, नाज करता है, लेकिन उनके जाने का गम भी है। शायद यही वजह है कि अब भारत सरकार से ये कहा जा रहा है कि अब और नहीं, अब आतंकिस्तान को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना है और इस भावना को शायद हिंदुस्तान की सरकार समझ भी रही है। यही कारण है कि अब सेना को फ्री हैंड, खुली छूट दे दी गई है कि आप खुद से तय करें कि आगे क्या करना है। मंजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मंजीत, वायुसेना के 137 लड़ाकू विमान टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए इन तस्वीरों में, इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए चित्रा, इस जो ये जो युद्ध अभ्यास चल रहा है वायु शक्ति 2019, इसका मतलब, इसका जो मोटो है वो है सिक्योरिंग द नेशन द पीस एंड वार, और इसी के मकसद के तहत पोखरण ग्राउंड फायरिंग जो रेंज है वहां पर पूरी ताकत दिखा रही है वायुसेना के तमाम जो लड़ाकू विमान है उसके, इसके अलावा जो रेडार सिस्टम है, संचार के जो उपकरण है, यानी कि पूरी वॉर सेंट्रिक जो ताकत वायुसेना की है उसका यहाँ पर प्रदर्शन है। और हालांकि वायुसेना के पास लगातार जो लड़ाकू विमान है उनकी कमी भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत पिछले मौकों, जब भी वायुसेना को मौका मिला है, चाहे करगिल के सबसे ताजा करगिल युद्ध की हम बात करें, आज के हालात में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सरहद पर जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना देश को ये भरोसा दिला रही है कि उसके पास जो पूरी ताकत है, आधुनिक लड़ाकू विमानों के अलावा रडार सिस्टम, संचार के जो उपकरण हैं, उसका वो कम समय में, सबसे जो अहम इस युद्ध अभ्यास का मकसद है कैसे एक कम समय में दुश्मन को चौंकाना। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए सभी के चेहरे किस तरह से गमगीन है, चाहे वो हमारे सैनिक हो, चाहे आम नागरिक हो, सभी के हाथों में कैंडल है, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त, इस बीती शाम ये सभी नजर आ रहे हैं। अपने आप में बेहद गम का ये मौका, गमगीन माहौल, सभी के चेहरे पर वो उदासी और अपने सैनिकों को, अपने सहयोगियों को खोने का गम भी साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने 40 सपूत, 40 वीर जवान खोए हैं, वो भी किसी युद्ध में नहीं बल्कि पीठ पीछे से जो वार किया गया आतंकिस्तान की ओर से, जिस तरह से प्लान बनाकर हमारे सैनिकों को मारा गया है। अब हिंदुस्तान कैसे तैयार है, एक तरफ भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान एक सुर से सरकार के साथ खड़ा हुआ है और ये बार बार ये मांग कर रहा है कि अब आतंकिस्तान को बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है। पीड़ित परिजनों की ये तस्वीरें जो कलेजा छलनी कर देती हैं, उनकी चीख पुकार ऐसी है जिसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इस मासूम के चेहरे को आप देखिए, रोते बिलखते ये परिजन, परिवार वाले, वहीं दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान नम आंखों से विदाई देता हुआ, आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ इन वीर जवानों को, वीर सपूतों को।